सो हाय एवरीवन, मैं हूँ अनामिका गुप्ता फ्रॉम मिस्टिकल माइंड्स। और आज की जो हमारी रीडिंग है वो है कि आपकी लाइफ में इस टाइम क्या चल रहा है, चीज़ें आपकी लाइफ में कैसी चल रही हैं। सो हम वो चेक करेंगे, देखेंगे कि आपके लिए क्या मैसेजेस आते हैं, और हम टैरो कार्ड्स भी यूज़ करेंगे एंड हम करेंगे मिस्टिकल विजडम ओरेकल कार्ड्स, वो भी हम यूज़ करेंगे एज अ सजेशन। ओके, सो पहली बात तो जिसको भी मेरे से पर्सनल रीडिंग करानी है सो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, सो आप वहां से मेरा नंबर लेके आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। कॉल बिल्कुल भी ना करें, सो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं एंड आई विल रिप्लाई एज सून एज पॉसिबल। ओके, सो देखते हैं कि हमारे पास दो कैंडल है, एक है हमारे पास रेड एंड पाइल वन में हमारे पास रेड कैंडल एंड पाइल टू में है हमारे पास वाइट कैंडल। सो आप फोकस करिए कि आपको क्या अट्रैक्ट कर रहा है एंड हम रीडिंग शुरू करते हैं फ्रॉम पाइल वन कैंडल, जिन्होंने ये रेड कलर का सिलेक्ट किया है। सो देखते हैं कि आपके लिए क्या मैसेजेस आते हैं निकल के। ओके, सो बी पॉजिटिव। आप जितना पॉजिटिव रहेंगे उतना पॉजिटिव रिसीव करेंगे, और जितना नेगेटिव रहेंगे आप उतना नेगेटिव रिसीव करेंगे। सो बी पॉजिटिव। ओके, सो ओके, सो मैं देखती हूँ, तो आप फूल की एनर्जी में जा रहे हो। मुझे लगता है कहीं ना कहीं आप रिस्क लेना चाह रहे हो किसी भी मैटर में। आई डोंट नो कि आप किस मैटर में लेना चाह रहे हो, बट मेरे को लगता है अगर रिलेशनशिप में जा रहे हो आप रिस्क लेना चाहते हो एक बार भी। ठीक है, आप ना किसी की फिलहाल में नहीं सुन रहे हैं, आप किसी की बात नहीं मान रहे हैं, सुन नहीं रहे हैं, और आप जो है रिस्क लेंगे ही। और जहाँ तक मामला यहाँ पे दिख रहा है वो है आपका रिलेशन, तो मुझे लगता है आप रिलेशन में रिस्क लोगे और आपको नहीं पता कि उसमें आपको फ़ायदा है या नुकसान है। एंड ये तो कोई भी नहीं कह सकता है, बिकॉज फूल हमेशा यही कहता है कि रिस्क लोगे बट आप किसी की नहीं सुनोगे। सो आपका जो मन करेगा आप वही करने वाले हो। सो बहुत ज़्यादा एनर्जी मुझे ये रिसीव हुई है, कहीं ना कहीं आप चीज़ों को लेट गो किया है आपने एंड करने की बहुत कोशिश कर रहे हो। और मुझे लगता है कि आप ना अपने एम पे अब फोकस हो रहे हो, लाइक फोकस बहुत ज़्यादा बना रहे हो। सो मुझे लगता है कि आपको लग रहा है कि आप थक गए हो बीच में, ठीक है, करते करते या पढ़ते पढ़ते या जॉब ढूंढते ढूंढते या रिलेशनशिप में बहुत लॉयलिटी दिखाई हो आपने, हो सकता है ऐसा भी है। बट मेरे को लगता है कहीं ना कहीं आप जो है बस पीक पॉइंट पे ही है, समझ लो थोड़ा सा बस पीछे है, थोड़ा सा और आपको हार्डवर्क करना है एंड देन आपका हार्डवर्क पे ऑफ होगा। ठीक है, तो ये मैसेजेस मुझे निकल के आ रहे हैं एंड मुझे कहीं ना कहीं ये भी फील हो रहा है कि आप ऐसे भी, मतलब मुझे लगता है कि कई लोग ऐसे हैं ना जो आप पे धोखे से वार कर सकते हैं, लाइक धोखा दे सकते हैं आपको। सो बी केयरफुल अबाउट दैट। तो कहीं ना कहीं मुझे ये भी रिसीव हो रहा है कि कई लोग ऐसे हैं जो आपको धोखा से दे सकते हैं, जिनको आप सबसे ज़्यादा मानते थे एंड वही हो सकता है आपको धोखा दें। सो आपको ये बात का भी बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। ओके, एंड मुझे लगता है कि आपके घर में हो सकता है कि नया मेहमान आने वाला हो, आई थिंक कोई भी हो सकता है, नया बेबी हो सकता है या आपके घर में शादी हो सकती है, फंक्शन हो सकता है, तो ये भी मुझे बहुत ज्यादा दिखाई दे रहा है। ओके, सो कहीं ना कहीं मुझे ये भी लग रहा है कि आप पास्ट की एनर्जी में फिर से जाने लगे हो एंड बहुत ज्यादा सोचते हो आप उस पर्सन के बारे में जिन्होंने आपको अभी छोड़ दिया है, आपके बारे में नहीं सोच रहे हैं। सो मुझे लगता है कहीं ना कहीं यही फील हो रहा है मुझे कि आप जो है पास्ट में जाने की फिर से कोशिश कर रहे हैं। सो डोंट डू दैट। ओके, सो डोंट डू दैट, क्योंकि अभी तो आप चीज़ों को फोकस कर रहे हो, फिर उसी चीज़ में जाओगे ना तो आपको फ़ायदा नहीं मिलेगा। सो मेरे हिसाब से जो मैं कह रही हूँ वो ही आप करना, तो ही आप फायदे में रहोगे। जो भी आप लर्न करने की कोशिश कर रहे हो उसको कंटिन्यू करो, क्योंकि जो आप लर्न करोगे वो आपको बाद में बहुत फ़ायदा देगा। सो अगर आप अपने इंटरेस्ट के साथ करते हैं कुछ तो उसमें और भी ज़्यादा आपको फ़ायदा मिलेगा। ओके, तो मुझे लग रहा है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन, आप अगर जैसे मैं बोलती हूँ लॉ ऑफ अट्रैक्शन, तो कहीं ना कहीं मुझे ये भी फील हो रहा है कि कई लोग ऐसे हैं जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन के वीडियोस देख रहे हो, कई लोग ऐसे भी हैं जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन ऑलरेडी यूज़ करते हैं अपनी डेली लाइफ में। सो मुझे ये भी बहुत फील हो रहा है। सो गो फॉर इट, बहुत एक्चुअली बहुत पावरफुल होता है। सो आप करेंगे अगर अच्छे से तो आपको फ़ायदा ही मिलेगा। एंड मुझे लग रहा है कई लोग ऐसे हैं जो फिज़िकली दूसरे के साथ अट्रैक्ट हो रहे हैं काफ़ी ज़्यादा। सो कहीं ना कहीं मुझे ये भी नज़र आ रहा है। सो बी केयरफुल अबाउट दैट, कि वो तो आपकी अपनी पर्सनल लाइफ है, सो जो आपको सही लगे।
सो आप ना अपना अच्छा बुरा अभी भी नहीं देख रहे हैं कि आपके लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है, अभी भी आप आंखें बंद करके बैठे हुए हैं. सो डोंट डू दैट. फोकस कितना भी कर लो, अगर आप पास्ट की सिचुएशन में आप फिर से वापस जाओगे तो यू कांट गेट एनी थिंग. ठीक है, मुझे लगता है कि आप जो करना चाहते हो फिर वो चीज़ आप नहीं कर पाओगे, क्योंकि फोकस ही उतना नहीं रहेगा तो आप कैसे कर पाओगे, बताओ कैसे पॉसिबल है ये चीज़ कि आप कर पाओ. सो मेरे को यही चीज़ रिसीव हो रही है बहुत ज़्यादा. सो ओके, सो कहीं ना कहीं आप बहुत गुस्से में भी हो सकता है किसी पर्सन से गुस्से किसी पर्सन के साथ आप गुस्सा हैं, तो वो चीज़ भी मुझे काफ़ी ज़्यादा नज़र आ रही है. सो इस बारे में मैं क्या कहूँ, बट सो आपको थोड़ा सा अपने ऊपर इस चीज़ पे कंट्रोल करना है और चीज़ों को सही ढंग से पेश करना है, चीज़ों को सही ढंग से समझना है. आप अपनी आंखें खोलो एंड देखो कि आपके लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है, देन टेक योर डिसीजन. समझ रहे हो आप? देखो हार्डवर्क तो आपको करना पड़ेगा. अगर आप सोच रहे हो कि आप एकदम से कोई चीज़ मिल जाए, तो एकदम से तो कुछ भी नहीं मिलता है. कितना भी आप कर लोगे तो भी एकदम से कुछ चीज़ नहीं मिलेगी. सो जो आपको हार्डवर्क करना है, सो वो तो आपको कंटिन्यू करना ही है, अदरवाइज चीज़ें आपकी कैसे पॉसिबल है बताओ, है क्या पॉसिबल, नहीं है ना. सो मेरे हिसाब से आप हार्डवर्क करिए एंड डोंट लुक बैक. ओके, मैं फॉरवर्ड बोल रही, डोंट लुक बैक. तो मेरे हिसाब से आप प्रेजेंट में जिए ज़्यादातर एंड फ्यूचर का प्लान करें अच्छा सा कुछ. देखो एक पर्सन से आपको अटैचमेंट हो जाती है, अट्रैक्शन बढ़ता है आपका, ये बिल्कुल सही बात है. लेकिन अगर आप आगे बढ़ते हैं तो लाइफ में ना बहुत, दुनिया में इतने लोग हैं ना, एंड आपके लिए बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें भी हैं अगर आप अच्छे से देखोगे. सामने देखो ना एक बार, आंखें खोल के आप बंद करके बैठे हो, एंड प्रैक्टिकली ज़रूर सोचें. प्रैक्टिकली सोचना सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इमोशनली कम सोचें तो ज़्यादा आपके लिए बेहतर है. अभी भी आप उदास बैठे हैं, अभी भी आप लगता है मेरे को रात रात को बहुत जागते हो, सो ये चीज़ भी मुझे नज़र आ रही है. सो ऐसा बिल्कुल भी ना करें एंड जिए आप प्रेजेंट में एंड फ्यूचर अपना प्लान करें. ओके, सो मेरे को ये फाइल वन से ये एनर्जी रिसीव हुई है. आगे हम देखेंगे अपने टैरो कार्ड से कि आपके लिए क्या मैसेजेस निकल के आते हैं, फिर हम ये कार्ड्स भी यूज़ करेंगे. सो देखते हैं. ओके, सो आपके लिए क्या मैसेजेस आते हैं वो बहुत इम्पोर्टेंट है कि आपके लिए क्या मैसेजेस निकल के आते हैं. बहुत गर्मी है भाई साहब. ओके, पीछे मोड़ मोड़ के देख रहे हो ना, मैं बोल रही हूँ देखने की कोई जरूरत नहीं है, मेरे को अभी लग रहा है कि आप देख रहे हो. क्यों कर रहे हो भाई साहब, ऐसा क्यों कर रहे हो आप लोग? स्ट्रिक्ट बनो, थोड़ा सा स्ट्रिक्ट बनो, लेट गो करो. चीज़ों को लेट गो कर दोगे ना लाइफ में सही चेंजेस आएंगे. नहीं करोगे तो फिर आप अपनी मर्जी से देखो, चीज़ों को लेट गो करो, लेट गो करो, लेट गो करो. और उदास मत हो, सामने से दो ऑफर ऑलरेडी हैं आपके पास. आप पीछे देखोगे आपका दिल ही टूटेगा. ये रिलेशन आगे नहीं बढ़ेगा, जो आपका छोड़ के गया है जो इंसान आपको, वो नहीं आएगा वापस. फिर से बोल रही हूँ, और बुरा लगे तो क्या कर सकती हूँ, आप इतना डीप थिंकिंग कर रहे हो, मैं बोल रही हूँ आपको नहीं करना है. बहुत ज़्यादा आप डीप थिंकिंग कर रहे हो. आप ना हमेशा चीज़ों को, मतलब हर चीज़ में परफेक्शन क्यों ढूंढते हो यार? जब अपन खुद परफेक्ट नहीं है तो अपन कैसे हर चीज़ में परफेक्शन ढूंढ सकते हैं? तो ये भी याद रखो ना कि नहीं ढूंढ सकते हो. सो इस चीज़ के लिए भी मैं आपको बोल रही हूँ कि परफेक्शन हर चीज़ में कि ये मेरे लिए बिल्कुल सही है, 100% सही क्या आप हो बताओ? आप सही हो 100%? नहीं ना, फिर दूसरे को आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो? सो मेरे हिसाब से आप बिल्कुल भी मुड़ के ना देखें, और जो रिलेशन एंड हो चुका है सो वो आपको नहीं मिलने वाला वापस. टू बी वेरी 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 ऑनेस्ट, आपको अच्छा लगे बुरा लगे, मेरे को तो सही बताना पड़ता है, सो मैं सही ही बताऊँगी. सो देखते हैं कि आपके लिए और क्या आता है, एडवाइस देख लेते हैं थोड़ा सा, बिकॉज ज़रूरी है वो तो. ओके, इसमें ऑलरेडी आई हैव, ओह गॉड कितने हैं भैया. फॉलो योर पैशन, टेक स्टेप्स टुवर्ड पॉजिटिव चेंज एंड लर्न टू लेट गो. ज़रूरी है भाई, ये तीनों ही चीज़ें आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं. सो बाकी आपकी मर्जी है कि आपको क्या करना है. सो और देखते हैं हम पाइल टू, जिन्होंने ये वाइट कलर का कैंडल सेलेक्ट किया है उनके लिए क्या मैसेजेस आते हैं, क्या चल रहा है आपकी लाइफ में. देखते हैं कि
आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, ठीक है। सो फोर कैंडल टू पाइल वाइट, क्या बोल रही हूँ मैं अभी, सॉरी। ओके, सो मुझे लग रहा है कि आप लाइक प्रिंसेस, आप हो क्या ऐसे प्रिंस एंड प्रिंसेस की तरह जिंदगी जीते हो या चाहते हो ऐसा कि जियो, मेरे को बताना अगर ऐसा कुछ है तो। मेरे को बहुत फील हो रहा है एंड मुझे लग रहा है कि आप अपनी पर्सनैलिटी भी काफ़ी ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं एंड आपको आपकी पर्सनैलिटी में कैसे चेंज आए वो भी आप बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। सो गो फॉर इट, ये तो अच्छी बात है क्योंकि अपने लिए ना करें तो फिर किसके लिए करें। सो मुझे लग रहा है यू आर लर्निंग समथिंग एंड कहीं ना कहीं आप प्लान कर रहे हो कि आपको कोई एब्रॉड में जॉब मिले या फिर आप एब्रॉड जाने का सोच रहे हैं एंड मुझे लगता है आप दो लोगों से सलाह ले रहे हो। सो कहीं ना कहीं तो ये फील हो रहा है मेरे को, कई लोगों से रेजोनेट कर सकती है कहीं से नहीं कर सकती बिकॉज इट्स अ जनरल रीडिंग यार। सो आप उस हिसाब से ही लेना। ओके, सो मुझे लग रहा है यू आर मैनिफेस्टिंग समथिंग और यू आर लिसनिंग सम काइंड ऑफ, कहते हैं ना माइल्ड म्यूजिक, तो मुझे लगता है कि बहुत ऐसा म्यूजिक सुन रहे हो जैसे मतलब वो वाले वीडियोस नहीं रहते हैं जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन से रिलेटेड होते हैं। सो मेरे को लग रहा है कि आप वो सुन रहे हो रोज़ अपनी ज़िंदगी में चेंजेस लाने के लिए। सो वो भी बहुत अच्छा है, उससे आपको बहुत शांति मिलेगी एंड मुझे लग रहा है कि आप तो बहुत खुश होंगे। मेरे को अभी भी लग रहा है कि आप बहुत हैप्पी हैं अपनी ज़िंदगी में और काफ़ी खुश नज़र आ रहे हो आप। सो मेरे को तो कोई भी अभी फ़िलहाल में तो नहीं दिख रहा है लेकिन आगे क्या आता है वो भी इम्पोर्टेंट है। सो मेरे को लग रहा है कि आप ना एकदम फ्री फील कर रहे हो एंड यू आर ऑल्सो वर्किंग सो हार्ड, ठीक है। मुझे ये भी नज़र आ रहा है कि आप जो हैं अपना हार्डवर्क कर रहे हैं किसी चीज़ को पाने के लिए, जॉब को पाने के लिए, रिलेशनशिप में, बिजनेस में, वॉट एवर योर सिचुएशन इज़। सो मुझे ये तो बहुत ज़्यादा नज़र आ रहा है। सो अच्छा है लेकिन मेरे को पेड़ पौधे बहुत ज़्यादा दिख रहे हैं स्पाइल में। सो मुझे लगता है कि आपको नेचर से बहुत प्यार हो सकता है या फिर मुझे ये भी एहसास हो रहा है कि आप जो है पेड़ पौधों की सेवा ज़रूर 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 करें। प्लांट करके देखो, कोई चीज़ को लगा के तो देखो, पौधा पेड़ उसको पानी दो। सो वो चीज़ भी आपको करनी चाहिए मेरे हिसाब से। देखो एक चीज़ और है, आप अपनी लव लाइफ पे जो ध्यान दे रहे हो, अगर किसी के साथ अच्छा चल रहा है आपका, ओके, सो मुझे लगता है सामने वाला आपको समझेगा बट मुझे लगता है कहीं ना कहीं आप अपने करियर में डगमगा ना जाओ उस इंसान की वजह से। सो अगर आपको वो सच में रिस्पेक्ट करता होगा, प्यार करता होगा तो वो कहीं नहीं जाएगा और अगर नहीं करता होगा तो सच में जाएगा। तो मैं ये बोल रही हूँ कि आपको अपने करियर पे फोकस करना है, ना कि उस पर्सन पे ज़्यादा फोकस करना है जो आपके लिए अभी फ़िलहाल में इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। अगर किसी की शादी नहीं है, मतलब इतनी एज नहीं है शादी लायक, तो भी मेरे हिसाब से अभी आप अपने करियर पे ज़्यादा ध्यान दें जो भी आप कर रहे हो। और अगर आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो सो वो भी बहुत अच्छा है। सो आप ये चीज़ें करो तो ज़्यादा बेहतर है मेरे हिसाब से। बाकी तो सर आपकी मर्ज़ी, मैम आपकी मर्ज़ी, वॉट एवर यू वॉन्ट टू डू। आप थोड़ा सा ज़्यादा बोलोगे, मेरे को लगता है ज़्यादा बोलते हो, कभी कभी बहुत ज़्यादा बोल जाते हो, कभी कभी बिल्कुल ही बोलते हो। सो ये कंडीशन भी मेरे को बहुत नज़र आ रही है। मतलब मेरे को लगता है कि आप जो है ना चीज़ों को बहुत ज़्यादा सोचते हो, समझते हो, लाइक एकदम से आप डिसीजन नहीं लेते हो ना कि नहीं ओके, अगर आपको कहीं कुछ करना भी है, जाना भी है, तो भी आप डिसीजन सोच समझ के लेते हैं कि मैं जाऊँ तो मेरा क्या होगा, कितने घंटे वेस्ट होंगे, नहीं होंगे, जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए। तो मुझे ये भी बहुत नज़र आ रहा है। सो आप जो है काफ़ी ज़्यादा ध्यान देते हो, सोच समझ के ही डिसीजन लेते हो कोई भी। सो मेरे हिसाब से अच्छा है। ओके, सो मुझे लग रहा है कि आपका जो गोल है अभी उस इस टाइम आप उस पर फोकस करो, बहुत अच्छी बात है। आप हार्डवर्क कर रहे हो वो भी करते रहो तो वो चीज़ आपके लिए बहुत फ़ायदा करेगी आगे जाके। कई लोग थोड़ा सा उदास हैं, सो मुझे लगता है कई लोगों को हंसाने के लिए, हो सकता है कोई ऐसा दोस्त हो आपका, कोई ऐसा फ्रेंड हो या घर में कोई ऐसा हो जो आपको बहुत हंसाता रहता हो या आपके मन की करता रहता हो, ऐसा भी मुझे बहुत फील हो रहा है। सो मेरे को अभी तो ऐसा बिल्कुल भी फील नहीं हो रहा है कि आप बहुत परेशान हो, नहीं मुझे नहीं फील हो रहा है ऐसा। मेरे को तो यही लग रहा है कि आप लोग जिसके साथ भी डील कर रहे हैं सारा अच्छा चल रहा है इस टाइम। कई लोगों के लिए हो सकता है नहीं चले बट मोस्ट ऑफ द
पीपल मेरे को लगता है कि सबका सही चल रहा है टाइम। मुझे लगता है जो लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कॉल मैसेज का अपने पार्टनर से, तो वो भी उनको रिसीव होगा। कई लोगों के लिए तो रिसीव होगा ही होगा। एंड अगर नहीं होता है रिसीव, तो आप मैनिफेस्ट किया करो एंड गाइडेड मेडिटेशन देख लिया करो। सो उससे आपको रिसीव होगा। एंड मैंने भी बनाए हैं वीडियोस, आप पुराने वीडियोस मेरे देख सकते हो। लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे काफ़ी वीडियोस हैं मेरे। सो कहीं ना कहीं मुझे ये भी ऑफर हो रहा है कि आप खुद किसी को ऑफर कर रहे हो सकता है रिलेशनशिप में, एंड जॉब में भी आप खुद ही ढूंढ रहे हो जॉब, जो भी है अप्लाई किया हो आपने। बट मेरे को लगता है कि सामने वाला थोड़ा सा क्लेवर हो सकता है, सो बी केयरफुल अबाउट दैट। बाकी चीज़ें तो बहुत अच्छी हैं। सो देखो, चालाक तो सब अपने लिए होते हैं, होना भी चाहिए। इतना ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा, नहीं तो पता चला मैम ने वो तो बोला तो चालाक होना चाहिए। तो नहीं नहीं भैया, ऐसे नहीं, मतलब हमेशा हाँ नहीं करनी चाहिए। अगर आप वो काम नहीं कर सकते हो, कुछ भी ऐसा काम नहीं कर सकते, तो आप नो बोलिए, ना कि हाँ, या ना टालिए भी मत, सीधा नो एंड यस में आंसर दीजिए। सो बाकी चीज़ें तो काफ़ी सही जा रही हैं, मेरे को तो यही फील हो रहा है फिलहाल में। खुश खुश रहोगे, खुश नज़र आ रहे हो, सो यही चीज़ मुझे नज़र आ रही है फिलहाल में। आप देखते हैं कि और टैरो कार्ड से क्या मैसेजेस आते हैं, सो उससे पता चल जाएगा और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। बहुत गर्मी है भाई साहब, बहुत गर्मी है। बहुत ज्यादा गर्मी है एक्चुअली में है, जैसे कि मैंने बोला बहुत खुश नजर आ रहे भाई। मैं आप बोल रही हूँ, आपकी चीजें सारी होगी, बस आपको अच्छा बुरा देखना है। सो आप वो चीज देखो, कई लोगों की जिंदगी में टावा मोमेंट आया है। ओके, सो कई लोगों का रिलेशन एंड हुआ है, कई लोगों का रिलेशन एंड हुआ है। सो कुछ फर्क नहीं पड़ता, फर्क पड़ता है भाई सब। मतलब अगर मेरे को कमेंट मत कर देना कि मैम आपको लगता है कि फर्क नहीं पड़ता है, फर्क बहुत पड़ता है। सो मतलब मेरा मतलब ये है कि जो चीज़ हो गई तो हो गई, या फिर मुझे लगता है कई लोगों का रिलेशन भी एंड हो सकता है। सो अगर किसी से अनबन चल रही है आपकी, सो मेरे हिसाब से थोड़ा सा अच्छे से डील कीजिए, क्योंकि आप दोनों ने ही सपने देखे हैं शादी के। सो और मुझे ये भी रिसीव हो रहा है कि आप लोग जिसका भी वेट कर रहे हैं कॉल टेक्स्ट का, तो वो डेफिनेटली आपको रिसीव होगा। सो आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए, कहीं ना कहीं मुझे ये फील हो रहा है कई लोगों का रिलेशन एंड हुआ है, एंड कई लोग जो हैं वो क्या बोल रही थी मैं, कई लोगों का रिलेशन एंड भी हो सकता है। सो आप अपने हिसाब से देखिए भैया। देखो, सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ाओ, अपना साहस बढ़ाओ। कोई भी काम आपको करना है, उसमें आप कितने कॉन्फिडेंट हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक होप तो है ही आपको लाइफ में, और उस पर थोड़ा सा बिलीव करो। मुझे लगता है कि आप ऐसे पर्सन हैं जिससे हर कोई हेल्प मांगता होगा, आपकी मदद, आप मदद करने में पीछे कभी ना हटें, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और थिंक बिग फॉर योर फ्यूचर एंड पिक योर बैटल्स वाइजली। सो ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपको ये दो चार काम ऐसे हैं वो आपको करना ही है। गेट रेडी फॉर पॉजिटिव चेंज ऑल्सो। सो ये थी हमारी पाइल टू की रीडिंग, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड थैंक यू फॉर कनेक्टिंग विद मी। अगर आपको अच्छी लगी है, सो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। एंड जिसको भी मेरे से पर्सनल रीडिंग करानी है, सो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, सो आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करें एंड आई विल रिप्लाई एज सून एज पॉसिबल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।